बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैसेज फ्रॉम लोकसभा सेक्रेटरी जनरल। सर विथ योर काइंड परमिशन आई राइज टू रिपोर्ट दैट द लोकसभा एट इट्स सिटिंग हेल्ड ऑन 14th डिसंबर 2022 पास्ड वन द अप्रोप्रिएशन नंबर 4 बिल 2022 एंड टू द अप्रोप्रिएशन नंबर 5 बिल 2022। द स्पीकर हैज सर्टिफाइड दैट दीज बिल्स आर मनी बिल्स विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आई ले अ कॉपी ऑफ ईच ऑफ द सेट बिल्स ऑन द टेबल। Honorable Member Shrimati Priyanka Chaturvedi ji. Thank you so much, Honorable Chairman sir. Shayad last speaker hon, least speaker na bana dijiyega, time ka thoda pabandi zyada na dekhega. Ji ji bilkul. Sir, 2019 mein New Delhi International Arbitration Center ka act bana tha aur usme jo parliamentary democracy ke teen hisse hote hain, debate, deliberate and decide, wo sari baat hui thi और पूरे चर्चा के बाद उसको पास किया गया था। एक फोर्थ डिमेंशन शुरू हुआ है जब से 2014 से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, जहां पे जो ऑपोजिशन वॉइसेस हैं उसको डिसमिस करने की ज्यादा ओपिनियंस जो हैं, जो वेल मीनिंग ओपिनियंस हैं, उसकी एक प्रथा बन चुकी है। आज अगर 2019 में ऑपोजिशन से जो जो प्रॉब्लम्स आई थी इस बिल को लेकर अगर वो एड्रेस कर ली होती तो शायद हमें 2022 में आकर ये पूरा फिर से चर्चा नहीं करनी पड़ रही होती। लोकसभा में इसको अनुमति दी पहले, अब फिर से राज्यसभा में आया है, तो कहीं ना कहीं ये पूरी एक चीज़ ज़रूर दर्शाता है कि हमारा जो पूरा एक्ट है जो हम बनाते हैं वो पूरा प्रोसेस ड्रिवन है रादर देन लुकिंग टूवर्ड्स एफिशेंसी ड्रिवन एक्ट्स। दैट इज़ व्हाई विद इन 3 ईयर्स वी आर हैविंग एन अमेंडमेंट हियर। और कहीं ना कहीं हमें ये जो सरकार की ये आदत शुरू हुई है कि नाम बदलो काम हो जाएगा, वी हैव टू मूव टूवर्ड्स काम करो नाम अपने आप हो जाएगा, ये यहाँ पे अंतर बहुत स्पष्ट दिख रहा है। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के लिए 5 इम्पॉर्टेंट पहलू होते हैं। एक तो ट्रांसपेरेंसी, इंडिपेंडेंस, टाइमली ड्रिवन और डिपेंडेबिलिटी। ये सारे 4-5 पहलू अगर उसको देख लिया जाए तो शायद कहीं ना कहीं वी वुड हैव मेट विद सक्सेस मच सूनर रादर देन हैविंग टू स्ट्रगल टू फाइंड द स्पेस एंड मेक अ स्पेस इन दिस एंटायर सिस्टम। अब यहाँ पर अगर सरकार ही सारे निर्णय लेगी सारे अपॉइंटमेंट्स का, जहाँ पे आपके चेयरमैन हो, आपके सेक्रेटरी हो, आपके CEO हो, सारा जो डिसीजन है सरकार से ही आना है, तो हाउ डज इट इंस्पायर कॉन्फिडेंस इन द माइंड्स ऑफ पीपल हु आर कमिंग हियर टू लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स एन आर्बिट्रेशन एंड रिड्रेसल ऑन कमर्शियल डिस्प्यूट्स। दैट इज समथिंग दैट शुड हैव बीन लुक्ड एट इवन इन 2019 एंड शुड बी एड्रेस्ड इवन नाउ लाइक विवेक तनखा जी सेड एंड ही इज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड वॉइस एंड उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है टाइमली टाइम बाउंड मैनर में कितना डिफिकल्टी होती है, जहाँ पे 33 से ज्यादा बार उनकी सिटिंग हुई है और अभी भी सुप्रीम कोर्ट में वो जो अवार्ड मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। और कहीं ना कहीं ये भी प्रश्न उठाता है कि आज अगर हमारे खुद के देशवासी जो हम इंडिपेंडेंट एजेंसीज की बात करते हैं, इंडिपेंडेंट एजेंसीज का बढ़ता हुआ जो सरकारी इंटरफेरेंस है उसके चलते इतने सारे तादाद में इंडियन टैक्स पेइंग सिटीजन्स जो हैं इंडियन सिटीजनशिप गिव अप कर रहे हैं और इस साल में तो पिछले 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो कहीं ना कहीं जब जनता में भी विश्वास टूट रहा है तो कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स में और वी आर टॉकिंग अबाउट अ ग्लोबल एनवायरमेंट वो विश्वास कैसे बनेगा, इसकी रूपरेखा भी तैयार होना जरूरी है। लाइक आई सेड इंटरनेशनल द लिटिगेशन कंटिन्यूज फॉर एवर, इट हैज टू बी टाइम बाउंड। अगर हमें इंटरनेशनल सीट बनाना है, जो बाकी हम सारे देशों की बात करें हैं, वाई इज सिंगापुर अ सक्सेस स्टोरी, वाई इज लंडन अ सक्सेस स्टोरी, दैट इज बिकॉज उनके जो इको सिस्टम उन्होंने बनाया है वो इको सिस्टम मैचेज एज टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल। सो जस्ट लास्ट 1 मिनट, उसमें आप ऑनलाइन हियरिंग की प्रावधान करें, आप आर्बिट्रेशन बेंचेस बनाएं, आप स्पेशलिस्ट आर्बिट्रेशन बार बनाएं और अक्रेडिटेशन दें आर्बिट्रेटर्स को, अक्रेडिटेशन मिलेगा, सो प्रोबेबली देयर विल बी एन इंक्रीज सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड द कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ इट ऑल आई थिंक मैटर्स द मोस्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड आई विल एंड विद दिस पॉइंट, सर मुंबई इज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया एंड मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट कंपनीज लुक एट मुंबई एज द फर्स्ट बेस टू सेट अप देयर बिजनेसेस। आई एम वेरी सरप्राइज्ड दैट मुंबई हैज नॉट बीन गिवन the due importance in the previous act that was passed by calling it the New Delhi International Arbitration Center. We would want it and we would hope that Mumbai Arbitration Center will get as much support as we are talking about Gift City,
as we are talking about New Delhi. With these words, sir, I conclude what I wanted to say. Thank you so much. Thank you. Honorable Sri Sakaldeep Rajbharji.